الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الله تعالى كي حمد و ثناء کے بعد الله عز وجل کا کروڑ ہاں शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये नेमत बख्शी कि मैं भी उसकी बारगाह में उसकी शान में बोल सकता हूँ और उसके हबीब की शान में बोल सकता हूँ। ये अल्लाह ताला ने मुझे नेमत अता फरमाई। तो मैं एक आयत के एक हिस्सा पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ कि पढ़ा कुन तुम खैर उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। कुरान पाक में फरमाया गया कुन तुम खैर उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तो ज़रा ये सवाल पैदा होता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो तो किस वजह से ये लकब मिला, हमें ये लकब किस वजह से मिला, क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या वो मौजू है कि जिसकी वजह से हमें कुन तुम खैर उम्मा का लकब मिला। और ये नहीं है कि कुन तुम खैर उम्मा का लकब हमें इसलिए मिला कि हमारे पास माल ज़्यादा है, या हमारे पास मालो मता और ज़्यादा है, या हमारे पास औलाद ज़्यादा होती है, या हम बहादुर ज़्यादा, इस वजह से नहीं, बल्कि कुन तुम खैर उम्मा का लकब इसलिए मिला कि हम जो आगे मौजू बयान किया गया कुन तुम खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहाउन अनिल मुनकर, यानी तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? क्योंकि तुम निकाली गई हो ऐसी उम्मत के जो लोगों को नेकी की दावत देती हो और बुराई से मना करती हो। यानी ये नेकी की दावत देना और बुराई से मना करना ये हमारा खासा है, इस वजह से हमें कुन तुम खैर उम्मा का लकब दिया गया कि हम लोगों को नेकी की दावत देते हैं, बुराई से मना करते हैं। ये नहीं देखते कि टाइम कौन सा है, ये नहीं देखते कि दिन कौन सा है, ये नहीं देखते कि वक्त कौन सा है, बल्कि हम नेकी की दावत दे डालते हैं, इस वजह से कुन तुम खैर उम्मा का लकब मिला। और मेरे दोस्त अहबाब सुनिए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्मत कितनी ज़्यादा होगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर क़यामत वाले दिन रश्क करेंगे कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। किस वजह से? कि एक तो हुजूर मिले हमें, इस वजह से भी बेहतरीन उम्मत है, वो तो हम नेकी की दावत देते ही हैं, लेकिन हुजूर के सदके ये लकब मिला। हमें जो कुछ भी मिला है, अगर ज़िंदगी मिली है, अगर औलाद मिली है, अगर माल मिला है दुनिया में, ये दुनिया मिली है, जो कुछ भी मिला है हमें हुजूर के सदके मिला है। और ये कुन तुम खैर उम्मा का लकब मिला है, ये भी हुजूर के सदके मिला है। और क़्यामत वाले दिन हुजूर अपनी उम्मत पर रश्क फरमाएंगे। ज़रा सोचिए कि क़्यामत वाले दिन कितनी सफ़े होंगी। टोटल 120 सफ़े होंगी, टोटल 120 सफ़े होंगी, जिनमें से 80 सफ़े हुजूर की उम्मत के होंगे और 40 सफ़े हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा तक के तमाम उम्मतों के 40 सफ़े होंगे और 120 टोटल सफ़े होंगी। और वो सफ़ ये नहीं है कि जो हमारी मस्जिदों की सफ़े होती हैं कि एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, यानी एक सफ़ होगी इस तरह से सफ़े, बल्कि मशरक से लेकर मगरब तक एक सफ़ होगी और इतनी बड़ी 80 सफ़े होंगे। ये हुजूर की उम्मत इतनी सफ़ों में खड़ी होगी। और फिर ये भी एजाज़ है कि क़्यामत वाले दिन उस सब उम्मतों पर जन्नत उस वक़्त तक हराम है जब तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती एक भी उम्मती बाहर रह जाता है। उस वक़्त तक किसी उम्मत का कोई फ़र्द भी उसमें दाखिल नहीं हो सकता जब तक हुजूर की उम्मत दाखिल ना हो जाएगी। यानी सबसे पहले हुजूर की उम्मत जन्नत में जाएगी, हुजूर की उम्मत आई तो बाद में, तो जाएगी पहले। जैसा कि फरमाया गया कि क़्यामत वाले दिन दूसरी उम्मतें आएंगी, वो इनकार करेंगे कि या बारी ताला हम तक पैगाम नहीं पहुँचा था, तो नबी फरमाएंगे, नबी को गवाही के लिए बुलाया जाएगा, तो अम्बियाए किराम आएंगे और अर्ज़ करेंगे कि या बारी ताला हमने अपना जो तूने पैगाम दिया था हमने वो पहुंचा दिया था इनको, लेकिन ये नहीं माने। तो उस वक़्त गवाह लाए जाएंगे, तो गवाह के तौर पर हुजूर की उम्मत को दाखिल किया जाएगा, हुजूर की उम्मत को लाया जाएगा। हालांकि गवाह तो वो होता है कि जो मौके पर हाजिर हो वो गवाही देता है, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया तो हाजिर ही नहीं थी। तो जब पूछा जाएगा कि ऐ उम्मत मुहम्मदिया, कि क्या तुम्हें पता है कि इन्होंने नाफरमानियाँ की थी, इन्होंने ये नाफरमानी की थी, तो वो कहेंगे
जी या बारी ताला, हमने कुरान पाक में पढ़ा है कि कुरान पाक में इन कौमों ने अल्लाह के नबियों को शहीद किया, अल्लाह के नबियों की नाफरमानी की है। यानी ये उम्मत का एजाज भी है इस उम्मत का कि ये उम्मत क्यामत वाले दिन गवाही भी देगी, ये उम्मत क्यामत वाले दिन सबसे पहले जन्नत में जाएगी, ये उम्मत के लिए ही जन्नत में ज़्यादा हिस्सा जो है इसी इसी उम्मत का होगा, ज़्यादा हिस्से इसी ये उम्मत ही को ही मिलेंगे। और ये हुजूर का सदका है कि हमें सब कुछ मिल रहा है। आज अगर हम नहीं बदले जा रहे, जो गुना पहले पाए जा रहे थे वो इस उम्मत में पाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे चेहरे मस्ख नहीं हो रहे, क्या वजह है? ये हुजूर का सदका है कि पहले एक गुनाह किया करते थे तो चेहरे मस्ख हो जाया करते थे, लेकिन आज चेहरे मस्ख नहीं हो रहे, ये हुजूर का सदका है। और हमें कुंतुम खैर उम्मा का लकम मिला तो ये भी हुजूर का सदका है। तो हमें चाहिए कि जो लकम मिला, जो हमें अल्लाह की तरफ से इज्जत मिली, हमें उसकी यानी लज रखनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि जो इज्जत करे उसको भी रिस्पॉन्स भी देना चाहिए। यानी अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी, वो हुजूर के सदके दी, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के फरमान पर अमल करें, अल्लाह के अहकामात पर अमल करें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वाकीमुस्सला वातुज़्ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात दो। तो जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है उनको ज़कात देनी चाहिए, और जिन पर नमाज फ़र्ज़ है उनको नमाज पढ़नी चाहिए। यानी बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो हुजूर ने फरमाया कि उसको नमाज के लिए कहो, नमाज का तरीका सिखाओ, नमाज के लिए मस्जिद में लेकर जाओ, यानी नमाज पढ़ाने का तरीका सिखाओ। और जब 12 साल का हो जाए, 12 साल के बाद अगर मारना भी पड़े तो मार कर यानी डांट टपट करके नमाज पढ़ाई जाए। तो ये भी है कि हुजूर बहुत शफकत फरमाते थे बच्चों पर, बहुत शफकत फरमाते थे, लेकिन हुजूर जहाँ पर अपनों के लिए इतनी ढेर सारी शफकत हुआ करती थी, वहाँ पर गैरों के लिए भी शफकत हुआ करती थी, वहाँ पर गैरों पर भी हुजूर शफकत फरमाया करते थे। जैसा कि हातिम ताई की बेटी, जंग में कपड़ा नहीं था सर पर, जंग में कपड़ा नहीं था सर पर, लेकिन हुजूर ने कपड़ा दिया, पर्दा दिया, तो साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो तो एक काफिर की बेटी थी। तो हुजूर ने फरमाया, क्या हुआ, बेटी तो थी ना, चाहे काफिर की थी। जब ये सलूक देखा तो वो गई और उसके अपने भाई के पास, हातिम ताई के बेटे के पास, कि मैं ऐसे नबी को देख कर आई हूँ, ऐसे आदमी को देख कर आई हूँ कि जो सबसे ज्यादा शफीक है, जो सबसे ज़्यादा शफीक है। और हमें ये लकम मिला, कुंतुम खैर उम्मा, ये भी हुजूर के सदके मिला है। तो हमें चाहिए कि हम जो हुजूर के अहकामात हैं, हुजूर के अहकामात पर अमल करें, हुजूर ने जो फरमाया उस पर अमल करें, ताकि हम भी ये कह सकें, ताकि हम भी ये कह सकें कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे।